अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप स्लीव्स पे और दामन पे दोनों जगह बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलकंट्रा का फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई है 4.5 इंचेस। और लंबाई इसकी जितनी आपको अपनी स्लीव्स चौड़ी रखनी है उस हिसाब से इसकी लंबाई ले लेंगे। तो मैंने यहाँ 20 इंचेस लिए। ये मैंने कपड़े की स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है, दो दो इंच ये चौड़ी है और ये तीन कलर हैं। ये ट्राउजर का कपड़ा है और ये दोनों कलर शर्ट से ही हैं। अब 2-2 इंच पे निशान लगाकर इसके स्क्वायर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। सारे ही इस तरह से फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल्स इसके बना लेंगे। अब इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए, अभी जो ऑर्गेंजा का हमने फैब्रिक लिया था इसे बारीक बारीक फोल्ड करके किनारों पे सिलाई लगा देंगे, ताकि जो इसके धागे वगैरह निकलते हैं वो सिक्योर हो जाएं। इस तरह मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब इस फैब्रिक पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां हमें अपने ट्रायंगल्स अटैच करने हैं। लाइन इसके लिए ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी जो ट्रायंगल्स हैं एक ही लेवल पे लगे सब। अब इस तरह ये ट्रायंगल रखकर सिलाई लगाते जाएंगे। वन बाय वन तीनों कलर रखेंगे। और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये तमाम ट्रायंगल्स अटैच कर लिए हैं। अब स्लीव्स लेंगे। तो स्लीव्स का सीधा साइड रखेंगे और इसका उल्टा साइड लेंगे। और जितना कपड़ा अंडर की तरफ फोल्ड करना है उसे छोड़कर इसकी स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से अब इसे फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब स्लीव्स की बैक साइड पे इसको फोल्ड करिए
स्टिच करेंगे। ये देखो, अब ये मेरे पास लेस है, इसे इसके ऊपर लगाकर सिलाई कर लेंगे। अब इस पे टसल्स बना के लगाएंगे। तो ये मेरे पास मोटिव्स हैं, आप रेडीमेड टसल्स भी लगा सकते हैं। एक ये इसमें डालेंगे, एक पर्ल का मोती इसमें डालेंगे, फिर अगेन ये इसमें डाल के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग कर लेंगे। और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा, सारे इस तरह से बना लेंगे और इसे स्लिप्स पे अटैच करेंगे। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा हमारे स्लिप्स का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। सेम यही मेथड दामन पे भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।